नोटबंदी से क्या आएगी मंदी, क्या आर्थिक मंदी आने की आहट है ये नोटबंदी के जरिए, जिस तरह से अर्थव्यवस्था से संकेत मिल रहे हैं, इसे सामूहिक रूप से एक व्यवस्थित लूट करार दिया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। बीजेपी पूछ रही है कि क्या यूपीए सरकार चलाने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री ये सवाल पूछ भी सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ घोटालों की चलती थी। इन्हीं सवालों के बीच आज आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हल्ला बोला प्रधानमंत्री मोदी पर, और अन्य पार्टियों ने भी कैसे किया सरकार पर प्रहार। जुबानी जंग के बीच बड़ा सवाल यही कि आज भी लोग कतार में खड़े रहे, इस अव्यवस्था या फिर व्यवस्था की नाकाफी को कैसे ठीक किया जाए, इस पर बहुत कुछ कहने को है नहीं राजनीतिक पार्टियों के पास, लेकिन हाँ जवाब, सवाल, शब्द, आरोप, प्रत्यारोप और वही उलझन जो हम हमेशा देखते रहे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, श्रीकांत शर्मा जी जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज बब्बर जी प्रवक्ता सांसद राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, महुआ मोइत्रा टीएमसी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सिद्धेंद्र भदौरिया साहब बीएसपी से हमारे साथ हैं, सुनील अलग जी ब्रांड कंसल्टेंट हमारे साथ हैं, कृपाल बालाजी तुमाने साहब लोकसभा से सांसद हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इसे संगठित लूट करार दिया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीकांत शर्मा जी। वो कह रहे हैं, एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, कह रहे हैं 2% की गिरावट जीडीपी में से आएगी। क्या ये खतरे के निशान है जिस पर ध्यान देना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए सरकार को? देखिए आज मनमोहन साहब बोले अच्छी बात है, लेकिन मनमोहन सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जब एसआईटी गठन के लिए काले धन के लिए बोला था 2012 में, तब अगर वो एक्ट करते बोलते तो बहुत अच्छा होता। दूसरा, उनकी ही नाक के नीचे जब कोयले की दलाली हो रही थी, स्पेक्ट्रम की दलाली हो रही थी, कॉमनवेल्थ के खेलों में सरिया सीमेंट रोड़ी टाइल्स की दलाली हो रही थी, और जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनमें दलाली हो रही थी, उस समय अगर वो एक्ट करते तो हालात कुछ और होते। जहाँ तक वो जीडीपी की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि जो जीडीपी अटल बिहारी वाजपेयी जी दे गए थे, उस विरासत को तो मनमोहन साहब आप ठीक से सजो नहीं पाए, तो आप किस किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं? हम आपकी योग्यता पर कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप लोग विदेश में पढ़कर आए हैं, इसलिए आपकी योग्यता हो सकता है हमसे ज्यादा हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो इस देश के गाँव का जो पाठशाला प्राइमरी स्कूल होती है उसमें पढ़े हैं, और इसीलिए हमारी लड़ाई अंजना जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये उन लोगों के खिलाफ है अंजना जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, जिन्होंने आतंकवाद को धन मुहैया कराते हैं, नार्कोटिक्स का धंधा करते हैं, और गांव के लिए जो पैसा जाता है, गांव के विकास के लिए जो पैसा जाता है, उस पैसे को भ्रष्ट चढ़ता है, अपने घरों के बेडरूम में रखते हैं, गद्दों की जगह नोटों पर जो सोते हैं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई है। गांव में पीने को पानी नहीं है, 70 साल में गांव को स्वच्छ पानी नहीं दे सकते क्या? बिजली नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, ठीक है सर। गांव के अंदर गांव का व्यक्ति बदहाली में क्यों जिएगा? क्या 70 साल इसीलिए आजादी किया? 70 साल में अगर गांव का व्यक्ति बदहाली में जिएगा तो फिर सरकार में हमको आने का फायदा क्या है? गांव के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए फैसला है। मैं तो अपील करूंगा पॉलिटिकल पार्टियों को इस मुहिम में सरकार के साथ खड़े रहें। राज बब्बर जी, उनका कहना है कि सवालों के आबरू रखते रखते प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत देर कर दी, बहुत देर से बोले। मुझे शायद पूर्व वक्ता श्रीकांत जी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा श्रीकांत जी, आपने एक बात कही कि आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, आपकी लड़ाई काले धन से, काले धन के खिलाफ है। मेरे ख्याल से आपके समेत, अंजना जी समेत जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर आप मुझे भी मान लें तो मैं भी आपको इस बात का दावा कर सकता हूँ कि हम में से कोई भी काला धन को रोकने के लिए यहाँ पर सभी लोग कटिबद्ध हैं, और हम चाहते हैं कि इस मुहिम को, काले धन की मुहिम को जितने जल्द से जल्द किया जा सके, वो हम लोग उसमें कामयाब होने चाहिए। लेकिन ज़रा थोड़ा सा हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या फैसला लेने में काला धन आ जाएगा, या फैसला लेकर उसका अमल जो है अगर सही नहीं होगा, तो फर्क सिर्फ इतना है, ये आप जिसको लड़ाई कह रहे हैं हम लड़ाई नहीं कह रहे हैं,
जिसको मनमोहन सिंह जी ने कहा है वो किसी लड़ाई के बारे में श्रीकांत जी नहीं कहा है, उन्होंने यही कहा है कि अगर आप देखें उनको शब्द एक एक शब्द सुनने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि फैसला इसमें किसी को कोई दो राय नहीं, पूरा सदन कहता है कि हम काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन जो अमल जिस तरह से किया गया इस फैसले का वो गलत है और इस अमल को लेकर ही बहस है। और यही वजह है कि तमाम साथी जितने भी लोग बैठे हैं वो यही बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर इस बात पे अमल किया है, फैसला किया है और वो फैसला उन्होंने सुनाया है, अगर वो फैसला उन्होंने सुनाया है तो हम ये चाहते हैं कि अंजना जी आपने भी ये कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर चाहते हैं कि वो बैठना उनका हमें गवारा नहीं है, वो बोलें कुछ। हाँ। हम कह रहे हैं नहीं बोलें, जब चाहे मर्जी बोलें, लेकिन कम से कम हमारे साथियों की सुने, हमारे सारे सांसद जो बोलना चाहते हैं उनकी सुने, वो बस लंच के बाद जो है जैसे ही लंच अनाउंस हुआ वो चले गए, लेकिन ये पहले तय हुआ था, अरुण जेटली जी ने कहा था, बाकी सब ने कहा था कि हाँ प्रधानमंत्री जी रुकेंगे, सबकी सुनेंगे, आप बोलिए, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी चले गए। आप बात को या हम चाहते हैं कि हम बात को इधर उधर ना किया जाए, सीधा काले धन पे अटैक है, काला धन खत्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है ये अमल जिस तरह से किया गया है उस अमल के खिलाफ है, क्योंकि इस अमल से आप बताइए पंजाब के उस किसान का क्या कसूर है भाई, क्या कसूर है कि उसने फांसी लगा ली, उसके पास में अपना पैसा था, उसके उसने पैसा जमा भी कर रखा था, वो बैंक में गया अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा निकालने के लिए, वो इतने सारे आपने रास्ते बता दिए अपना पैसा निकालने के लिए कि उसको फांसी लगानी पड़ी, घर के द्वार पर उसके यहाँ बारात आने वाली थी, वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। राजबब्बर जी जो कह रहे हैं, राजबब्बर जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मेरा कहना सिर्फ यही है, मनमोहन सिंह ने जी जी सर कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। मैं मुझसे कह रहे हैं जी, बिल्कुल कंप्लीट करें जल्दी से। मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसी भी सूरत में आप प्लीज, आप हम लोग गलत ले जाते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं अपनी इस बहस को। ये बहस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जो 75 लोग जो मारे गए हैं, जब तक हम इसकी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे कि क्यों मारे गए हैं, क्या फैसले का जो अमल हुआ है वो गलत हुआ है या फैसला गलत है। हम तो फैसला मान रहे हैं बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन फैसले का अमल गलत है। ये मेरी बात को, इस बात को मैं बिल्कुल अंडरलाइन करना चाहता हूं, अमल गलत हुआ है, उसका तरीका गलत है, जिसकी वजह से 75 लोग मारे गए हैं, उसकी वजह से आज लाखों लोग लाइन पर खड़े हुए हैं। अरे काला धन तो वो है, अब देखिए एक मुख्यमंत्री है, उसका सन इन लॉ जो है उसका हेलीकॉप्टर में पैसा पकड़ा गया है, वो है काला धन वाला, उस पर उन पर कीजिए। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि 5 लाख करोड़ रुपया बैंक में आ गया है। मित्रवर, 5 लाख करोड़ का मतलब 125 करोड़ के मुल्क में अगर आप हिसाब लगाएं तो 4,000 रुपया मात्र पर आदमी के हिस्से पड़ता है, यानी 4,000 रुपया इस देश के आदमी ने एवरेज जो है वो बैंक में वापस डाल दिया है, तो क्या ये काला धन हो सकता है? नहीं, काला धन तो बाहर है भाई, ये आप लोग खुद भी कहते आए हैं, हम भी कहते हैं बाहर है, उस पर तो कोई हम अंकुश लगा नहीं रहे, उसको वापस ला नहीं रहे, अपने ही घर वालों को हमने लाइन में खड़ा कर दिया। राजबब्बर जी ठीक है, श्रीकांत जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन चूंकि कई मेहमान हैं, एक बार सबकी बात आ जाए सर, उसके बाद मैं एक ही बार आपसे जवाब लूंगी, सब थोड़ा सा इंतजार कर ले श्रीकांत जी प्लीज। मैं एक सेकंड बोलूंगा जल्दी से। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह ने पूछा है, एक देश का नाम बता दीजिए जिसमें अपना पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े आदमी को डंडे से पीटा जा रहा है। राजबब्बर साहब का बस 30 सेकंड में जवाब देना चाहता हूँ। हम लोग मौतों पर राजनीति नहीं करना चाहते, अगर मौतों के आंकड़े में गिनाऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। 70 साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की है इसका अगर मैं जिक्र करूंगा, 3.5 लाख किसान आत्महत्या करें, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा नहीं है कि आपके कार्यकाल में कितने मरे, हमारे कार्यकाल में कितने मरेंगे। आगे से दिक्कत ना आए तो हो भी नहीं सकता, हम आगे से दिक्कत ना आए, आगे से किसान सफर ना करे, हम उसको कैसे सुरक्षा कवच दें, उसके बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल बनाएं, गांव को कैसे हम सभी सुविधाओं से संपन्न करें, ये लड़ाई उसी के लिए तो है। सुधींद्र भदौरिया साहब, आइए हम साथ में। सुधींद्र भदौरिया साहब, आपने प्रधानमंत्री के सर्वे को फर्जी बताया है, आपने प्रधानमंत्री के सर्वे को फर्जी बताया है और कहा है कि चुनाव के लिए चुनाव चाहते हैं आप। देखिए बहन मायावती जी ने बहुत दृढ़ता के साथ सशक्त ढंग से अपनी बात को संसद सदन के अंदर रखा है और संसद परिसर में भी रखा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी
के लोगों ने सर्वे कराया है, ये कह रहे हैं कि 90% लोग इनके पक्ष में है। 90% तो हिंदुस्तान का लाइन में खड़ा हुआ है। जो लोग मरे हैं इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो काले धन वाला था? जिनके पास वास्तव में काला धन है वो तो या तो विदेश में है या फिर वो अपने घरों में। आप किसी भी हिंदुस्तान की लाइन में देख लीजिए, कहीं कोई मर्सिडीज गाड़ी और जैगुआर गाड़ी नहीं खड़ी मिलेगी, वहां मोटरसाइकिल में, वहां साइकिल में, वहां ट्रेन से, वहां बस से, मेट्रो से, छोटी गाड़ियों में, मारुति 800 में लोग आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और लाइनें लगा रखी हैं। सुधेंद्र जी, कहना ये चाहता हूँ, सुधेंद्र जी माफ कीजिएगा सर, होता है ये, हमने सर माफ कीजिएगा, या तो इस पूरी व्यवस्था को एक सेकंड, सुधेंद्र जी, सुधेंद्र जी, सुधेंद्र भटौरिया साहब, अरुण जेटली जी खुद बोल रहे हैं, अरुण जेटली जी खुद जो भ्रष्टाचारी है सर, वो चंद हजार रुपए जमा करने के, जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने लाखों करोड़ों लूटे हैं, वो लाइन में खड़े होकर बैंक में पैसा जमा करने के लिए पहुंचेंगे कुछ हजार रुपए लेने के लिए? ये विवेक मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सवाल क्यों बार बार पूछा जा रहा है? जिन्होंने लाखों करोड़ों लूटे हैं सर, वो 4000 लेने के लिए खड़े होंगे? मैं चाहता हूं कि ये इससे असुविधा जो हुई है, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि इन्होंने जो असुविधा दिया, बहन मायावती जी ने बहुत स्पष्ट रखा है कि ये जो असुविधा हुई है ये किसानों को हुई है, बुनकर को हुई है, मध्यम वर्ग के लोगों को हुई है, महिलाएं अपने बच्चे उनके बिलख रहे हैं दूध के लिए, उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो वो कितने, मेरे सवाल का जवाब नहीं, कोई वापसी नहीं कर रहा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आप, मेरा जवाब ये है, ये जवाब ये है कि ये सारा का सारा लूट वालों के लिए है, ये सारा का सारा प्रयोजन लूट वालों के लिए है, जनता को तबाह किया जा रहा है, वो त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्त हैं। महुआ जी, बताइए। हेलो, हाँ महुआ जी, आपसे मेरा सवाल है कि इसे आर्थिक संगठित लूटबंदी करार दिया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, आवाज आ रही है? देखिए ये तो, हाँ आवाज आ रही है, हम 30 सेकंड चाहते हैं, हम साफ दो तीन चीज बताना चाहते हैं। हम रोज बहस पे बैठते हैं आज तक पे या कोई और हिंदी चैनल पे, और रोज रोज बीजेपी के जो नेता है, जो प्रवक्ता है, वो एक ही बात कहते हैं। ऐसा लगता है कि हम तो सब सारे बेवकूफ है और ये इलेक्शन के जो नारे होते हैं ना वो फिर लगा रहे, ये 56 इंच छाती वाली बात रोज दिन की, हमारे सिद्धांत तो देश के लिए है, आवाम के लिए है, मुल्क के लिए है। आप भी सिर्फ 56 इंच छाती वाले लोग हो सकते हैं, पर हम भी साधारण लोग हैं, हम साधारण लोग के लिए बोल रहे हैं। हम दो चीज आपको बोल रहे हैं, आप बोल रहे जो ये काला धन के विरुद्ध लड़ाई है, अगर काला धन के विरुद्ध लड़ाई है तो मेजॉरिटी काला धन जो है कैश में वो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के पास है और अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी के पास है। आपने क्या किया है? पॉलिटिकल पार्टी 80% राजनीतिक दल जो है, जिसमें हम भी शामिल है, सब दल शामिल है, उनके 80% फंडिंग, उनका पैसा अज्ञात सूत्रों से है, अज्ञात लोगों के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए तो आपने कुछ कहा नहीं। 2004 साल से तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन लाई है, आपने कुछ नहीं किया है। दो, अफसरशाही के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पहले जो कानून था वो कानून था कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इंक्वायरी हो सकता था। आप लोगों ने कानून को बदल के बना दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे अगर एक सरकारी पीएन भी भ्रष्टाचार हो तो उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी करने के लिए सरकारी हमको परमिशन लेना पड़ेगा। जी, जी। तो आपने क्या किया? आप ना राजनीतिक दलों के विरुद्ध में कुछ स्टेप लिया अभी तक, ना आपने अफसरशाही के ऊपर, तो ये जो साधारण लोग हैं, जो 56 इंच छाती वाले लोग नहीं है, उनके विरुद्ध आपने ये जो लगा दिया ये लड़ाई, ये तो लोग मर रहे लाइन पे खड़े होके, तो आप क्या नारे लगा रहे हैं? अनजस्टिस है, क्योंकि आरोप मुझ पर है और मुझे तुरंत जवाब देने का मौका दिया जाए। थोड़ा सा सर आपको इंतजार करना पड़ेगा प्लीज सर, क्योंकि दो और मेहमान है जिनके पास मैं नहीं जा पाई हूँ, मैं आपसे जवाब लूंगी सर, एक सेकंड सर। आपके पास आते हुए कृपाल जी, क्योंकि आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने धावा बोला है, उनका कहना है कि काले धन पर कुछ मन में काला है जिसकी वजह से यह सब कुछ किया जा रहा है। अगर वाकई फैसला इतना बड़ा है और आप लोग मानते हैं कि इसके पीछे जो भी हो रहा है वो गलत है, तो किस हद तक जाने को तैयार है आपकी पार्टी, या हम माने कि आप भी सिर्फ एक सियासी ड्रामा कर रहे हैं? आज तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन निकला पार्लियामेंट के लिए, कि जो 10 साल जब कि इनके आवाज़ अपन सुनते नहीं थे, उनकी आवाज़ आज देश ने देखी, उनका आवाज़ भी सुनने को मिला। जिनके राज में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ वो आज संसद में बोले, अच्छी बात है।
लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ कि ये जो फैसला लिया गया है बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले के कारण सही में काला धन तो निकलेगा, लेकिन काला धन की व्याख्या क्या करना चाहिए ये भी सोचने वाली बात है कि हम किसको काला धन बोले। कि जो हमारे यहाँ के, अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी महिलाएं जो हम लोग हमारे मिसेस के पास में पैसा देते हैं 30-40 हज़ार 25 हज़ार खर्चा करने के लिए, जो पेट काट काट के अपने महीने में 3-4 हज़ार रुपये बचाती है, साल भर में 50 हज़ार रुपये बचा लेती है, ऐसा करके अगर 20 साल पहले शादी होंगी तो उसके पास 10 लाख रुपए जमा होंगे, वो ये सोच के जमा करती है कि जब मुझ पर कुछ मुसीबत आएंगी, मेरे बच्चे को पैसा लगेगा या मेरे घर में कुछ कार्यक्रम रहेगा या बच्ची की शादी होंगी, तब मैं ये पैसा खर्चा करूंगा। कृपाल जी आप स्टैंड क्यों नहीं लेते? जिस लेडीज ने अगर 10 लाख रुपए ऐसे जमा किए, कृपाल जी क्या आप इसको ब्लैक स्टैंड लेने से क्यों डर रहे हैं? नहीं, हमारा स्टैंड, हमारा ठाकरे जी कहते हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया आप उनको स्टैंड तो ले रहे हैं। अरे आप सत्ता में इस वक्त सहभागी हैं साहब? नहीं सही, नहीं हम देखो हमारी शिवसेना पार्टी ऐसी है कि हम सत्ता में सहभाग भी रहे, लेकिन अगर कोई बात गलत होती है तो हमारे नेता माननीय उद्धव साहब ठाकरे सीधे रूप से बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हमको भी आदेश हुई है कि जो गलत है वो गलत है। हम कल से पहले दिन से कह रहे कि ये जो इसके कारण में आज किसानों की इतनी बदतर हालत हो चुकी है, किसान जिए या मरे इस नौबत में आ चुका है आज। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है। सुनिए नल्लक जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। प्रधानमंत्री बैठे लेकिन बोले नहीं, नागवार गुजरा। बिकॉज अंजना लुक, आई एम नॉट, अभी तो मैं टीवी पे नहीं हूं, अगर मैं टीवी पे आ रहा हूं तो मैं बताता हूं आपको। देखिए ये है, देखिए सुनिए, वो मोदी जी बोले नहीं, मोदी जी सुन के गए हैं, 8 बजे उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की है, क्योंकि सारे सजेशंस जो पॉजिटिव हैं उनके ऊपर आप देखिएगा वो एक्शन लेते हैं। और अगर मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि कौन सा देश है जहां अपने पैसे नहीं निकालने दे रहे हैं, अरे भैया 80-90% जहां क्रेडिट कार्ड होता है तो वहां पे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पे 90% सब कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो ब्लैक मनी का सवाल ही नहीं उठ रहा है। यहां पे बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, सारे पैसे अब डिक्लेयर्ड हो जाएंगे, तो ब्लैक मनी का सवाल है। जो टैक्स नहीं देना चाहता है, जो एक दो महीने एक देश के जिंदगी में कुछ भी नहीं है, अगर पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं तो कोई भी, अगर देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि जीडीपी में 2% की गिरावट आएगी, जीडीपी में 2% की गिरावट। पेटीएम आ गया है, पेटीएम, नो एवरीबॉडी इज गेटिंग, एवरीबॉडी, नो सो व्हाट, एक क्वार्टर के लिए 2% गिर गया तो क्या हो गया देश में? ऑब्वियसली कोई इम्पैक्ट होगा इसका। उसके बाद अगर सीधा देखिए बजट आ रहा है 1 फरवरी को, अगर उसमें जब पॉजिटिव एक्शन मिलेगा सब लोग पैसे खर्च करेंगे, ये भूल जाएंगे कि 2 महीने क्या था। अब एक ही लाइन, नहीं नहीं एक सेकेंड, लाइन्स आर बीइंग रिड्यूस्ड, यू आर कैरिंग ऑन शोइंग, अभी 3-4 चैनल्स मैं देख के आ रहा हूँ, बैंगलोर में लाइन कम हो गए, सब जगह कह रहे हैं लाइन्स कम हो रहे हैं। आप सिर्फ वो ही दिखाएंगे जहाँ लाइन्स लंबे हैं, वो दिल्ली में ही है सिर्फ। अगर आप बैंगलोर जाएं, अगर आप कलकत्ते जाएं, अगर आप हैदराबाद जाएं, अगर आप उड़ीसा जाएं, अब कोई भी स्टेट में आप नहीं जा रहे हो जहां लाइन कम हो रही है, आप वहीं पे जा रहे हैं जहां लाइन लंबी है, इसका क्या फायदा होगा? अगर मोदी जी गलत काम कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा कहता हूं वो पार्टियां जीतेंगी यूपी में, उनको तो। चलिए आपकी इसी बात के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक लंबा वक्त हमें मिलेगा। देखते हैं बीजेपी का सरकार की तरफ से क्या जवाब होता है इन तमाम मुद्दों पर। श्रीकांत शर्मा जी, नोटबंदी से क्या आएगी मंदी? क्या देश के लिए ये वाकई चिंता का वक्त है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोनों पक्षों को जानना समझना बहुत जरूरी है। अरुण जेटली ने जवाब में क्या कहा है आइए पहले सुना देते हैं, फिर सभी खास मेहमान बने हुए हैं चर्चा की शुरू। श्रीकांत शर्मा जी, सबकी बात का जवाब दीजिए, कहीं पॉलिसी पैरालिसिस से आपने मनी पैरालिसिस पर तो देश को नहीं पहुंचा दिया? बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं। नंबर एक मैं कहना चाहता हूं कि मनमोहन साहब कह रहे हैं कि देश का ऐसा कोई देश बताइए जहां अपना ही पैसा निकालने के लिए पाबंदी हो। मनमोहन साहब आप कोई ऐसा देश बताइए जिसके प्रधानमंत्री के नाक के नीचे 12 लाख करोड़ के घोटाले हो जाएं और प्रधानमंत्री कहे कि मुझे मालूम ही नहीं है। बड़ी बात अंजना जी ये है कि सरकार लगातार आम जन को कैसे दिक्कतों से बाहर निकाला जाए, इसके लिए आज ही 21,000 करोड़ सहकारी बैंकों को दिया जा रहा है। उनको कहा है कि किसान को कोई दिक्कत ना आए, किसान को, क्योंकि अभी गेहूं की बुवाई चल रही है, बीज खाद की कोई दिक्कत किसान को ना आए, इसके लिए भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। दूसरी बात है कि जो किसान की चिंता करते हैं अंजना जी, किसान की जो अपने चेहरे की जो उसकी वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो 6 महीने के लिए अपना बीज भी उधार लेता है और अपना खाद भी उधार लेता है,
और छह महीने बाद जब सरसों बेचकर गेहूं बेचकर पहले आड़तिया या सरकार का जो पैसा है बैंक का वो देता है, जो बचता है वो घर लेकर जाता है। तो किसान की ज्यादा चिंता मत करिए, जो किसान को कांग्रेस 70 साल में यूरिया तक नहीं दे पाई वो किसान के ऊपर आंसू बहाना कांग्रेस का मुझे लगता है बहुत आश्चर्यजनक रहता है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ अंजना जी आपके माध्यम से कि ये कांग्रेस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसको क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? तो आप दिखावा है, किसान का दिखावा है, गरीब का दिखावा है असलियत किसान में दिक्कत, का राज बब्बर जी। असलियत में दिक्कत ये है कि ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार समूल रूप से नष्ट हो, ये नहीं चाहते कि काले धन पर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री से कहते हैं पहले कार्रवाई करो, जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई क्यों कर रहे हो? किसान के कंधे पर रहकर राज बब्बर साहब से विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि राज बब्बर साहब, जब देश के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि गाँव के विकास के लिए अगर एक रुपया जाता है तो 10 पैसे पहुँचते हैं, श्रीमान जी हम तो 1 रुपया पूरा गांव के विकास के लिए पहुंचे इसका प्रयास कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी थे, जो कमीशन खोर थे, आगे से कमीशन खोरी की हिम्मत ना जुटा पाए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो सपना राजीव का था उसको पूरा कर रहे हैं हम। तो आपको तो राजीव जी के नाम पे ही कम से कम, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को नाम से ज्यादा अटैचमेंट है, तो राजीव जी के नाम पर ही कांग्रेस इस सरकार को समर्थन दे दे। राज बब्बर जी, श्रीकांत जी आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन आपकी बातों में सिर्फ एक ही है कि आज ना तो वर्तमान है इसमें और ना भविष्य नजर आ रहा है, और केवल आप ऐसी बातें अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आपकी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है वो सही है। अरे भाई, फैसले के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं अमल इनका गलत है, इन्होंने अमल गलत किया है। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत देर तक 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भाई ढाई साल से आपकी सरकार है, मुझे एक चीज बताइए, एक घोटाले के बारे में आपने कोई फैसला किया कि साहब ये घोटाला है? देखिए आप भी थोड़ा सा ईमानदारी से चलिए, आपने किसान को बता दिया किसान को कोई तकलीफ नहीं है, किसान की चिंता मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता श्रीकांत जी। जरा जमीन पर उतर कर देखिए, किसान बहुत तकलीफ में है, जिसका आलू अभी जिसका निकला है आलू कोल्ड स्टोरेज में, आलू रखने लायक नहीं है। आज की तारीख में आलू जो है सड़कों पर बिक रहा है, 250 रुपए के भाव में भी आलू नहीं जा रहा है। आप क्या बातें कर रहे हैं, पता नहीं किस कहां की कौन सी बातें। जरूरी नहीं होता कि हम किसी भी राजनीतिक मंच पर बैठकर हम इतना इस तरह की बातें करें जिसका बातों का कोई तथ्य ना हो। आपने कह दिया, अरे आपने कह दिया किसान को 21,000-20,000 रुपया दे रहे हैं हम बीज के लिए, आपको आप इतना तो जानते ही होंगे श्रीकांत जी, गांव से आपका वास्ता है, आप बताइए बुआई का वक्त कितना होता है? बुआई का वक्त होता है मुश्किल से 15 दिन से 20 दिन, महीना भर, आपने 10 दिन निकाल दिए, उसमें 10 दिन के अंदर आपने देखा क्या हाल हुआ है, और आज आपको याद आया है कि बीज के लिए 20,000 रुपया दे रहे हैं, और वो भी 20,000 रुपया जो पुराने नोट हैं वो जो है सरकारी संस्थाओं में जाएंगे। मेरे दोस्त, सरकारी संस्थाओं के अंदर से कौन किसान बीज लेता है? 5% किसान जो है सरकारी संस्थाओं से बीज नहीं लेता है। आप कहां की बातें कर रहे हैं? आपने कह दिया कि मनमोहन सिंह जी उस सरकार की बात करें जिनके नाक के नीचे घोटाले हो गए। अरे घोटाले तो बहुत सारे आपने कह दिए, आप ये मुझे बताइए घोटाला ये भी साबित कर सके हैं आप? इस तरह बातें करने से थोड़ी होता है। और अगर आप प्रधानमंत्री ने कहा है तो आज अगर उनसे कहा तो यही कह रहे हैं। फिर आप ये खबर फैला रहे हैं कि हम सत्र नहीं चलने दे रहे। अरे भाई, कौन नहीं सत्र चलने दे रहा है? हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमारी सुने, उसके बाद बिना सुने ही क्यों उठ के चले गए? हमने कभी नहीं चाहा कि वो बोलेंगे तभी हम बोलेंगे, नहीं, हमारी सुने, हमारे सांसदों की सुने, उनको समझ में आए कि क्या देश की आवाज है। आप जो है बातों को वहां से वहां उलझा के अब मुद्दे से अलग कर रहे हैं। श्रीकांत जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है आज आप किसान की बात करते हैं, सबके पास आज आप सरकार में बैठे हैं, छोड़ दीजिए सरकार आपकी 5 साल आपसे अपनी बात करना शुरू कर सकता हूं, कम से कम एक ईमानदारी तो रखिए आप किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, उस गरीब के प्रति, उस कर्मचारी के प्रति। आज कई फैक्ट्रियों से लोगों को निकाला जा चुका है क्योंकि मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं है। आप क्या इस बात को नहीं समझ रहे हैं? अंजना जी, मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं क्या? श्रीकांत जी जी बोलिए प्लीज। मैं राज बब्बर साहब आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी योग्यता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। राज बब्बर साहब, मैं आपके पुराने लोकसभा क्षेत्र से आया हूं यात्रा करके, वहां अभी तो खेत तैयार हो रहा है आलू की बुवाई के लिए, एक हिस्से में आलू लग चुका है, एक हिस्सा तैयार हो रहा है। आपके नेता कहते हैं कि आलू का बीज नहीं मिल रहा है, और आप कहते हैं कि आलू सड़क पर कोई खरीदार नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं। नंबर एक,
नंबर दो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चर्चा ये हो रही है कि इस देश से भ्रष्टाचार को कैसे समूल रूप से नष्ट किया जाए, काले धन को कैसे नष्ट किया जाए, और जो गांव के गरीब का हित का पैसा है वो गांव के गरीब के हित के लिए, गांव के विकास के लिए उपयोग में आए। आप चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं? आप कह रहे थे प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आ गए। पहले दिन राहुल गांधी कहते थे कि सरकार में पता ही नहीं है किसी को, वित्त मंत्री को नहीं पता है, लेकिन बीजेपी के लोगों को पता है। तो कंफ्यूजन राजबब्बर साहब हमारे यहाँ नहीं है, आपके युवराज के अंदर कंफ्यूजन है। अगर आपके युवराज का कंफ्यूजन दूर हो जाए तो इस देश की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। सुनील अगर सरकार को तो काम करने दो। आप जो तर्क मेरे सामने रख रहे हैं वो गुलाम नबी साहब ने कहा था संसद के अंदर, प्रधानमंत्री नेता सदन ये कहे कि प्रधानमंत्री आएंगे जवाब देंगे तो हम सदन को चलने देंगे। जब नेता सदन ने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से सदन चलना चाहिए था। अब गुलाम नबी साहब कह रहे हैं कि हाँ भाई आप कमिटमेंट करिए, लेकिन जिन लोगों ने मिलकर देश को लूटा, 12 लाख करोड़ के घोटाले में मायावती शामिल थी, मुलायम सिंह जी शामिल थे, अखिलेश जी शामिल थी, टीएमसी शामिल थी, तो जिन लोगों ने मिलकर देश को लूटा है आज वो गरीब बेचिंता कर रहे हैं। राजबब्बर जी, जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से कहा कोल्ड स्टोरेज में आलू पड़ा होता है, आलू बेचने के लिए कोल्ड स्टोरेज जो अगले आलू का बयाना देता है वो नहीं दे रहा है, आप इतना ही नहीं समझ पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, और आपके एक साथी कह रहे हैं कि लाइनें कम हो रही हैं, एक साथी से मैं सुन रहा था कि लाइनें अब कम हो गई हैं। अरे लाइनें कम हो गई हैं इसलिए कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक वाले पैसा नहीं दे रहे, आप कह रहे लाइनें कम हो गई हैं। अरे कैसे कैसे विद्वान लोग हैं, मैं तो बस आपके इतना ही कह सकता हूं दोस्तों, भूल जाओ पार्टियों को, कम से कम देश के बारे में सोचो। ये 75 लोग जो मारे गए हैं इनका कोई रिश्ता किसी पार्टी से हो या ना हो, लेकिन कम से कम इनका मरना हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक फैसले के तहत फैसला सही है गलत है उनको मुआवजा देंगे। टीएमसी से पूछो, शारदा नारदा में 20 लाख लोगों का जो पैसा गया, गरीब लोगों का पैसा गया, ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? तब ममता बनर्जी राष्ट्रपति को मिलने क्यों नहीं आई? जब नारदा शारदा में 20 लाख लोगों से ज्यादा गरीब आदमी का पैसा हड़प कर गए लोग, तब आपको गरीब की चिंता नहीं थी? आपको चिंता इसलिए है कि वहाँ जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, वहाँ इलीगल जो क्यों नहीं कार्रवाई करते खिलाफ? महुआ जी जवाब दीजिए, नारदा शारदा को बढ़ावा। सुनिए एक चीज जो है अंजना जी, आप एंकर है, आप जरा मॉडरेशन ठीक से कीजिए, क्योंकि अगर ये सब लोग एक साथ चीखते रहे तो हमारे प्रोग्राम में आने का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के बहस हम रोज ये मॉडरेशन के नियम सारे प्रवक्ता जब खुद बोलते हैं तो भूल जाते हैं महुआ जी, ठीक है? ये जो चलिए अलग से एक दिन क्लास लीजिएगा हम लोगों की मॉडरेशन पर, सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? हाँ वो भी ठीक है, सवाल का जवाब दे रहे हैं, पर आप बीच में किसी को इंटरप्ट मत करने दीजिएगा, नंबर वन, ठीक है? और ये जो आपका बीजेपी के प्रवक्ता रोज कह रहे, रोज कह रहे आप शारदा कीजिए, आप ये कीजिए, 2013 साल से आपका सरकार है, 2014 से आप तो ये सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ हुआ है आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ कीजिए ना शारदा का पैसा। हमारा जो था हमने वो कर लिया है, उसके बाद हमने 3-3 चुनाव फेस किए हैं, ये सब जुडिस मामला है, आपको क्या कहना है? और शारदा में आप तो जैसे आरोप फेंका जाते हैं और कहले इलीगल स्मगलिंग, इलीगल ये आपका बॉर्डर तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, आप करिए कार्रवाई, आपको अगर इतना जानकारी है हमारे अगेंस्ट में तो आप कीजिए कार्रवाई। और आपने आज नेशनल टेलीविजन में बहुत बड़ी बात कह दी, आपने क्या कह दिया कि किसानों का कुछ नहीं हो रहा है, किसान ठीक है, हम आपको कह रहे हैं आप किस भारतवर्ष में रह रहे पता नहीं, वास्तव किसान की चिंता हम कर रहे हैं, आप छोड़ दो, आप नारदा शारदा की चिंता करो, किसान की चिंता करें, नारदा शारदा की चिंता आप लोग कर लो, हमको कदम हम अच्छा अगेन, अरे हमने ये फेक करेंसी का रैकेट पश्चिम बंगाल में चलता है, इसको बंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं, ये फेक करेंसी का रैकेट बारी बारी से सब बोले, क्या कनेक्शन है? बारी बारी से सब बोले तो अच्छा रहता है, बारी बारी से बोले, लगातार झूठे आरोप आप लगाते रहेंगे। महुआ जी ने अपनी बात के लिए, मैं एक बार चाहती हूँ सुनील अलग जी, रतन टाटा ने अभी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो जरूरतमंद है उनकी मदद होनी चाहिए। अब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि क्या इंडस्ट्री में भी अलग अलग तरीके से हम इसे देख रहे हैं कि कौन किस तरफ सरकार के साथ खड़ा है? ये एक सच्चाई है कि जरूरतमंद है, ये भी एक सच्चाई है कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहे, अलग अलग मजबूरियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी सुध कौन लेगा? अलग साहब देखिए, जो आप कह रहे हैं हर एक सजेशन जो दिया जा रहा है
हर रोज गवर्नमेंट चेंज कर रही है कि 25,000 रुपए सीट्स के लिए दे दिए फार्मर्स को. एनी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, मैं सिर्फ इतना सुन रहा हूं कि ये नई तरीका था. कोई नहीं बोल रहा है कि किस तरीके से करना चाहिए था. सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है, ब्लैक मनी भी ले जाना है, व्हाइट मनी भी आना है. अब दो महीने के लिए आप देखिए, अब जो पार्लियामेंट आप रोक रहे हैं ना कि पीएम नहीं आ रहे, इट इज गोइंग टू सूट द बीजेपी वन सेकेंड, बिकॉज एज मेनी डेज जितने निकल जाएंगे उसके बाद पोजीशन ईज हो जाएगी. आप डिबेट करिए ना पार्लियामेंट में, सजेशंस दिए. जब प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहा है, मिस्टर जेटली जो बोल रहा है, अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर आप आइए. अगर आप 15 दिन निकाल देंगे बिना पार्लियामेंट के, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो आधे जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सारे सॉल्व नहीं हो जाएंगे. अगर आपको सीरियसली पार्लियामेंट में रेस करना है, देखिए इंडस्ट्री का क्या होने वाला है. वी फील मैं कुछ कह दूं क्या बंजना जी, दो लाइन में अपनी बात को, इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन, लोगों का ईएमआई लॉन्ग टर्म नोबडी थिंकिंग. अभी आज जो प्रॉब्लम है वही देख रहे हैं. ये तो मैं कह रहा हूं अपने, ठीक है, आपका कहना इंटरेस्ट रेट घटेगा और ईएमआई घटेगी, ये सब पॉजिटिव चीजें होंगी. सुधींद्र जी अपनी बात कहें. For one quarter, what will happen in the next quarter? सुधींद्र जी, that is what you have to see. And what is 2 months in the life of a nation? अरे सी में तो सर ये प्रॉब्लम है ना कि कहीं आर्थिक एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा, 125 करोड़ लोग गिनी पिग तो नहीं बन रहे. सजेशंस दीजिए आप. मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूँ, अंजना जी केवल मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो बहुत लंबा अपना भाषण दिया है. मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि सुनील अलग जी जितनी ये बात कह रहे हैं, आपकी तो बात 2% जीडीपी करेगा तो ये जानते नहीं है कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने बड़े कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे. सुनील अलग जी आप तो बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कि कितने करोड़ लोग बेरोजगार होंगे. इस देश के अंदर मैं तो बीजेपी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं. किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे. आप 2 करोड़ रोजगार देने की तो बात दूर रही, सजेशन नहीं देना है तो कोई फायदा नहीं आपके साथ कुछ भी डिस्कस करने के लिए. रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए. 2% जीडीपी के गिरने से कई करोड़, आप जानते हैं कितनी ट्रेनें भर भर के उत्तर प्रदेश और बिहार. ठीक है, कम से कम बीएसपी मनमोहन सिंह की बातों को बहुत गंभीरता से ले रही है. ठीक है सर, ठीक है सर, आप लोग ठीक है सर. कृपाल जी वक्त की कमी है सर. ठीक है, आपने आपने अपनी चिंताएं जाहिर कर दी हैं और मनमोहन सिंह जी की बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं आज आप. सुधींद्र जी, कृपाल जी, कुल मिलाकर सवाल यही है कि आप लोग खड़े कहां पर हैं, क्योंकि ये मतलब नोटबंदी के साथ है, सरकार के तरीके के खिलाफ है, तो फिर आवाज उठाइए ना, दबाव डालिए ना. आप सत्ता में सहभागी हैं, क्यों आपकी आवाज नहीं सुन रहे, नहीं सुनते क्या प्रधानमंत्री? हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है. नोटबंदी बहुत अच्छी बात है, हम जनता के साथ खड़े हैं. जनता को जो तकलीफ हो रही है, जो किसानों को तकलीफ हो रही है, वही मुद्दे हम और हमारे नेता माननीय उद्धव साहब जी लेके आगे बढ़ रहे हैं. सुनते क्यों नहीं आप किसानों की? जब कल मिले थे भाई साहब, अभी सुनील जी बोल रहे थे, श्रीकांत जी बोल रहे कि किसानों को कोई तकलीफ नहीं. श्रीकांत जी की मेरी रिक्वेस्ट है कि देहात में जाके जरा देखिए देहात की परिस्थिति क्या है, और सुनील जी जरा आप दिल्ली छोड़ के गाँव में आप भी जाइए, जहाँ बैंकों के सामने आपने डीसीसी बैंक जो होती है, जिल्ला सहकारी बैंक. तो अंजना जी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये लगातार गलत बात बोल रहे हैं कि किसान को बहुत भाई गंभीर समस्या है. किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, गंभीर समस्या है. आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए सर. आप गांव में जाइए, बोलिए ठीक है. दिक्कतों के बावजूद भी, क्योंकि उसको किसान को मालूम है कि पूरा का पूरा ये पूरा जो काम हो रहा है, भ्रष्टाचार पर जो प्रहार हो रहा है, किसान के उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए. माफ कीजिएगा, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए, कुछ जवाब भी मिले, कई जवाब मिलने बाकी भी है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज बब्बर जी, श्रीकांत शर्मा जी आपका, सुनील अलग जी, सुधींद्र भदौरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कृपाल जी आपका शुक्रिया, शुक्रिया आपका भी महुआ जी, क्योंकि